आजा। हेलो, राम राम जी। कैसे आप सभी? बोल दे राम राम सारे ने। राम राम। सारे राजी खुशी हो गए? सारे राजी खुशी हो गए। मेरी और भी राजी जमाने। हाँ। तो कैसे हो अभी? नानी के चल लोगे? नानी का जाओ तो नानी के चल लोगे? जब किन चल को लिया लागे। पिलिया था उस दिन, तय मामा के ले जाऊंगी, मौसी के ले जाऊंगी, तो भी मेरा पिलिया आ गया। तो वह महा चलो आपके साथ शेयर कर दी। उस दिन नहीं शेयर कर पाई क्योंकि तबीयत वबीयत इसमें आप समझो बेको हो गए, ये हालत ना कहे अगर। और मौसम आज बारिश हो रही थी, इस वजह से बाहर का सही सा मौसम हो रहा था। और मेरे ख्याल तो मैंने भीतरे जाना पड़ेगा, कोई कोई बूंद आवे ही भी अनु कह कर जब पे मैं बूंद लाग जाए तो फिर मतलब शरीर में नुकसान नहीं है। वो तो साफ मौसम है, फिर मौसम का नहीं बेरा एकदम तैयार लाग जाए तो इस वजह से बेरा नींद की आवे हल्की हल्की बूंद सी फुहार सी। पेड़ा पे पानी पड़ रहा नहीं, और कुछ भर्ती करा है प्लाट में साइड में, तो ट्रैक्टर की खड़खड़ की आवाज़ सुन दी होगी था हमने, तो भीतरे बैठना पड़ेगा मैंने तो लागे है। तो अंदर बैठ के आगे की वीडियो दिखाऊंगी था हमने। हाँ, बूंद आ गई भाई हल्की फुल्की, अंदर आ गई, अंदर ऊर्जा सोवे थी, इस वजह से मैं बाहर चली गई थी। मैं कहती छोरी डिस्टर्ब हो जाए जाग जाए, और फिर अंदर क्लियरिटी भी नहीं आती भी वीडियो में जितनी बाहर आवे है, और इस वजह से पिंपल हो गया नहीं। तो हल्की हल्की बूंद आने लगी थी। आज है 5 अगस्त, तो मैं चलो भाई पीलिया आया था दोनों, तो कई दिन हो गए वीडियो भी नहीं डाली उस दिन के बाद, तो मैं चलो भाई इब आज कर दियो शुरुआत और आप लोगों को दिखा दो। हालांकि उस दिन मैंने वीडियो की शुरुआत कर दी थी, सही फैल जाए नहीं, तो वीडियो की शुरुआत कर दी थी, लेकिन वही बात है पूरी नहीं बना पाई थी लास्ट तक। क्यों? क्योंकि भाई जब पे हमेशा ही है बिछड़ से जहाँ, और वही बात है जब कोई आ जाए तो फिर मेरा यूँ था, मैं अंदर थी, मैं खाना पीना खावे थे, उस टाइम भी नहीं मैं वीडियो शूट कर पाई। फिर वह जाने के टाइम पे फिर बारिश आने लगी थी, तो इस वजह से फिर वो कम शूट हुआ था। फिर मैंने सोची करूँगी, और जब पे था हमने मेरा बुआ आ रही थी मतलब मेरी फूफस, और 10 दिन का करा के मैं चली गई थी, तो उनको क्या कुछ दिया तो भी उनके हो गए थे देवा, तो फिर बेरा तो कोई करता ले आई है प्रचार क्यों बुआ। डिजाइन दिखाऊ मैं ते और के प्रचार थोड़ी होया करे सलाह थी भाई, मैं पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ कि मतलब बुआ जा रही हैं कैसे क्या। तो बस आपने देखा होगा अब तक मैंने जापे की एक भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की, और जापे में बुआ रही थी वो भी नहीं शेयर किया क्योंकि बुआ को पसंद ही नहीं था वीडियो में आना। 28-30 सूट हो गए थे मतलब एक पीढ़ी में ब्याह है, और गई थी और वीडियो में बनाऊँ थी जब बुआ मना कर गई हुई, क्योंकि हर किसी को वीडियो में मतलब ये चीज़ें शूट कराना अच्छा नहीं लगता कि मतलब ये भी के दिखाना नू है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 10 दिन का नू करा कर गई क्योंकि सामन लग गया धरती ब्याह की वीडियो मैंने दिखाई थी, तो बहू का पहला सामन था उनकी बहू का, तो इस वजह से उन नहीं था कि मतलब वो भेजनी थी उनके मायके मतलब सिंधारा लेकर फिर जाया करें, तो इस वजह से फिर उन्होंने जल्दी जाना पड़ा। और हालांकि इतने गई कौन है उनकी बहू वो कुछ भी बात हो उसका। अच्छा एक बात बताओ, एक थारते पर्सनली बात है, कोई बंदा थारते मतलब झूठ बोलता हो तो सुरेआम और थमने बेरा उसकी सच्चाई का बात का सारी चीज़ा का बेरा पाठ जाए बाद में या पहले भी बताओ, तो मतलब और वो इतने शानदार तरीके से आपने झूठ लागे तो उस मानस पे फिर भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब विश्वास सा उठ जाए नहीं कि मतलब फॉर्मेलिटी आज की दुनिया में ना फॉर्मेलिटी बहुत लोग कर रहे हैं, हर चीज़ ने फॉर्मेलिटी तो तोला है कि मतलब ये वो, और हालांकि हमने पता हुआ उसकी सच्चाई का भी है। तो ऐसे ही लोग अभी दुनियादारी आजकल बस ऊपरले मन दिखावे थे रिश्ते निभावें लोग, खैर जस्ट ऐसे पूछ लिया था ये तो मैंने, बाकी रियलिटी होती है ये मतलब आज के टाइम की सच्चाई है। तो चलो
ज़्यादा वीडियो में बात ना करते हुए आगे का आपको दिखा देती हूँ। तो पीढ़िए मैं कौन कौन आए थे कि कुछ था। हेलो, राम राम जी, कैसे आप सभी। बस इमें आ गए आई थी और ये आ गए थे। आज लेट हो रही हूँ ना, कर 12:30 बज रहे हैं और आज आया पीलिया। तो बहन आई है, भाई आए हैं और दिखा दी, मैं मिलवा दी अपनी बहन से। यह है मेरी छोटी बहन, इसका पीलिया लेके गई थी मैं, माम गए थे जब, मैंने दिखाया था तो जब या ओल है मैंने और कई बार मिले मिल चुके हो आप इससे लोग में। हेलो बोल दे मेरे सब्सक्राइबर आने। हेलो। हाँ तो या भाई दीपमाला, ये इसका छोरा, इसका छोरा छोरा आज तो मैचिंग मैचिंग कर रहे हैं मम्मा बेटा, पिंक पिंक है कति, मैचिंग मैचिंग बिठा रही हो। और मैं लेडी थोड़ा पसीना बार हो गया आज, आपे नहाना पड़ा नी थोड़ा। हाँ आज और बीबी नू आई तो जाते हैं इनके जाओगे। फ्लैश होना देखो कर कर मून कैमरा ऑन कर दे जब तो देखता को नहीं अरे देख है। रुक जा मैं बताऊंगी मुँह मल्ले तू उठा। और ये आए हैं भाई टन टना स्माइल के साथ टन टना टन टना। ये देखो भाई कति जमा पीड़िए खातर लेके आई है ये नए इयररिंग्स नया। अच्छा तो नया क्रॉप टॉप लेके आई है छोरी, अगर बेबे का पीड़िया देने जाओगे मैचिंग मैचिंग स्पेशल लेके आई। तो भाई अंकुश तो लाड करा मौसी के, मौसी दौर जब भी आ गया तो भाई दिखाऊंगी थम ना के ले पीड़िया में छोरी का पीड़िया हाँ तेरा पीड़िया मंगा ले तो ये मेरा गोलू मोलू बेटा है, ये मेरा गोलू मोलू बेटा है दिखा देखो ये के ये दवाई है बेटा मेरे बेटा है यू अंकुश इसे थोड़ा आया मौसी ने जरूर कोई साल तो जाना है ना बेटा है ना मम्मी मम्मी बेटी ना ना के चल लो चल लांगे मौसी भी आ चल लगी ये तो मुंह में ना ले अगर मन अच्छा कौन लगे ना मुंह में बड़ा पहले का पैर को अरे और ना प्यारा बहुत लगा अंकुश है ना और भी दे दे दी बेबी भी तना बेबी भी प्यार लगा। हां और अंकुश लग गया है अंकुश भी लग गया अंकुर कित गया हम बेबे अंकुर कित गया कित गया अंकुर कित गया अंकुर ने मिस कर ले लिया बहुत बार कह वागी भाई अंकुर के बारे में और भी पूछेगी कई बार मम्मी अंकुर कित गया पेट में तो काट देना उसने बेबे आई है पे तो भाई कब आऊंगा तो अंकुश मम्मी अंकुश करके चल लूं ना चल लांगे तो आगे दिखाओगे भाई और भी इधर उधर। ये देखो भी मौसी बेटी नाट चल रही है और वो बड़ी बड़ी इनकी वीडियो बनाने लग रही है। तो भाई वह कर रहे इतना अच्छा है नाश्ता और मैंने लिया पसीना, ना को पसीना लेना जरूरी हो जाए ना और मतलब चादर ढक बाथरूम में तो जब आओ नहीं तो चादर ही ढक आया करूँ जब तक बाल नहीं लागे ताते पानी में नहाने गर्म पानी में तो एक दम बाल का झोंका लग जाए तो सुन पात हो जाए कर पड़ सू पड़ सूत इसी हो जाए कर कि मतलब शरीर सुन हो जाए कर कि मैं कमी आ जाए कर शरीर में तो जाते हैं और फिर ढक के मतलब पूरा कवर करके हाथ मुँह सब कुछ मतलब थोड़ी सी भी नहीं आवाज़ लग गई कितने शरीर के तो फिर आके और पंखा बंद करके लौट जा करूँ। पसीना लेना बहुत ज़रूरी हुआ है जापे में, कच्चा शरीर हुआ है और पसीना लेते शरीर की सारी की मतलब जो बीमारियाँ हुए दूर हो जाए ऐसा कुछ बोलना है। और ये कर रहे इतना चाय नाश्ता और ये दिखाऊंगी मैं, साथ में भाई आया है ड्राइवर है और मैंने कम लोग बोले थे
कि मतलब बस भाई भी ब्याह जाएंगे क्यों, मतलब जब छोरी का इतना ही वो करे हैं तो फिर घना ताम जाम की के जो रह जाए है नहीं, फिर वो जब समाज में देख कर सब वो करें तो फिर मुखा चलो थाम भी मतलब समाज के अकॉर्डिंग ही दे दियो, कुछ वो नहीं है रहवा तो समाज में ही हाँ पा है, अपनी सोच बदल सका है नहीं आपा तो जाते हैं अपनी तरफ तो आप कि मैं करा जो रीति रिवाज है वो निभाने पड़े समाज की तरीके थे तो ऊर्जा स्लोट रही है मेरे पास और हम कर रहे हैं माँ बेटी आराम, आगे दिखाऊंगी वो लोग कंटिन्यू देखना, पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पहले एक बात और बताऊं, छोरी का पीढ़ी आया करा देर में, छोरे का आया करा चांदन में, मतलब चांदना हो है कि मतलब हाँ हमारा चांदना हो रहा है, अरे छोरी का मैं थोड़ा नुकह दे अभी अंधेर में, हालांकि कई नू भी कमेंगे कमेंट करके कि दी हमने तो छोरियाँ की डाला मनाई है, मतलब छोरी की भी तो वह अलग बात अभी, लेकिन अपने समाज में जो रीति रिवाज के अनुसार जो मैं है वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि हम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि मतलब क्या कुछ है अपने समाज का आईना, तो वही बस शेयर कर रही थी कि मतलब कैसे क्या होता है करने को, तो बहुत सारे लोग हैं कि मतलब कई कई छोरी हो जो उनका भी नुए सेलिब्रेट करे हैं सारी चीज़ लड़कियाँ की तरह, और कई कभी पहली पोत में भी कौन कर दे, तो वो सब की अपनी अपनी अलग अलग है, लेकिन थम बता सको हो कि मतलब थम ना करे हो तो क्यों, जिसने करा हुई वो तो वो ही बताओगे हैं, तो इस वजह से तो लड़की का हुआ है अंधेर में और लड़के के जिस तरह सोन के नु कह दिया करे नी 5 या 7 ड्रेस दिया कर पीढ़ी में, लेकिन लड़की की भाई 2 ही हुआ है, जिस तरह उर्वी का जब शुरू में पीढ़ी आया था मतलब पहली लड़की थी, पहली लड़की ने लड़कियाँ की तरह माना है तो छोरा के डाला पीढ़िया दिया था घर के ना, मतलब टूम थी मेरी भी जेब चुटकी कान्ना के, जिस तरह मेरी बहन का पीढ़िया दिया था नहीं उसमें उसकी गलसरी थी उतने की, उतने मेरे कान्ना के करवा रखे थे और सारा सौदा था बर्तन बर्तन सब कुछ, लेकिन दूसरी लड़की के पीछे फिर वही बात है, देखो पालना वालना पालना जिस तरह दिया करें तो समाज ने देखे घर के मेरे कह रहे थे कि वो कर दे देंगे, फिर वो कर था उर्वी का तो मैं क्यों खर्चा कराया, लेकिन बेमतलब का जो चीज़ है वह चीज़ तो मतलब यूज जितनी होनी है उतनी तो वह इसी वह पुरानी होगी और इसी वह मखा नहीं होगी, और पालना को दिया नहीं कर दे भी सोन को मान्या कर दे क्या करें, छोरा हो जाए जब दिया करे या फिर पहला छोरा हो जाए छोरी हो पहले की बारी दे दिया करें, और बाकी सारी चीज़ नो आया करें कि मतलब सामने मैं दिखाई नहीं होंगी बताने में मजा को नहीं, तो दिखा दी भाई के कुछ छोरी के पीड़िए मैं मतलब पहल की छोरी हो जब तो मतलब पूरा छोरा की डालत करे हैं, लेकिन दूसरी छोरी हो जाए तो के कुछ दिया करें के कुछ मतलब गणा वो कौन कराया कर दे, ताकि घर वाले अगर दे भी दे तो उनको ये रहता है कि मतलब मन में कि सासरे वाले फिर इस चीज़ ने कदे गलत ले जाए सारे जने न कहेंगे देख छोरी हो रही थी और उन्हें इतनी खुशी मनाई मतलब इस बात की, तो घर वाले भी भाई सोच समझ के सारे काम करें और जो समाज ना देखे, क्योंकि अगर ये समाज ना देख कर चलना है तो फिर उनने भी समाज ना देख कर चलना पड़ा है, हाँ ये है अगर छोरा की डाला ये मनावा नहीं कि बेली ले कर जावा खां भाई मार तो छोरे की डाला है, हालांकि छोरा की डाला है लेकिन भाई समाज ना देखे हैं ये भी और समाज ना देखे हैं मायके वाले भी, तो इब बात करी जाए तो खुशी की, तो जब इब ऊर्जा के नाम पर भंडारा हमारे गाँव में 6 तारीख का मतलब कल का, तो इसके दादा ने मतलब पापा जी ने घी का पीपा दिया है कि मेरे पोती हुई है सारा गांव जिम्मेगा, तो वही खुशी की बात है, लेकिन फिर समाज ने देखे वही बात है अगर चाहते तो वो घर पे भी हो सका था भजन भंडारा कीर्तन, तो वो ही बात है समाज ने देख के मतलब हम अपनी खुशी नहीं मना सकते क्योंकि सारे जने फिर ओह छोरी हो रही है और फिर मतलब आपने कह दिया नहीं समाज देख आप समाज तो अपने के लिए ना, लेकिन भाई समाज में रहा तो समाज का देखना पड़ा है, वह कह दें आप कि मतलब समाज को देखना पड़ता सारी चीज़ देखनी पड़ा है जब ये जाकर आप समाज में रह सका, अगर समाज तो अटक चलेंगे तो फिर हर चीज़ में फिर अपन अटके ही करना पड़ेगा, जो कि हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते, हर चीज़ में हर चीज़ की जरूरत होती है, समाज की भी हमें जरूरत होती है और समाज में रह कर समाज के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, इस वजह से तो साथ के साथ मैं ऊर्जा की तरफ देख रही हूँ क्योंकि मुझे ये है कि मैं बोल रही हूँ ना कहीं इसकी नींद ना ख़राब हो जाए, सो रही है वही मेरा बेटा, तो इस वजह से
दिखा दूँ आपको। तो या भी देखो लगी फोटो खींचन, इसने बस फोटो खींचन का शौक है, मैंने वीडियो बनाने का रील्स बनाने का सारी चीज़ा का शौक है। तो बस बड़काली मस्ती शुरू हो गई, बड़का गला बाल कोई रवैया भी सारे की डाला, तो मतलब बचपना होना जरूरी है जीवन में। तो उर्वी ने जेसीबी का इतना शौक था तो इस खातर जेसीबी लिया है। तो ये देखो भी आते लग गया, तो इसके गले खेलन बता। तो भाई गठड़ी खोली थी दादी ने, मतलब मेरी दादस ने, और गठड़ी खुलाई करने के लिए दिया था 500 रुपये दादी ने को हमारी की चक्कर। तो गठड़ी खोली करने को अगर भाई इन्होंने दिया करे, लेकिन मेरे है नहीं और कुछ कैसे डाली थी, तो इसलिए दादस ने खोल दी थी, बड़ी थी इसलिए। और दादी जमा राजी और माँ दादी राजी है, जमा नू बोली कहती जमा मौज कर रखी है। तो ये देखो भी अच्छा, अरे मेरा चांद है और सूरज है और घूम क्या तुम ये छोटी मोटी अच्छा से मिला था अच्छा। तो बिल्कुल क्लोजली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो ओम बन रहा है, तो बहुत ही प्यारा डिजाइन लगा। आप भी बताना आपको कैसा लगा। और ये चांद सूरज और घुंघरू तो ये दिया करें, तो ये तो बालक की और के सामान है लाग रहा है, तो गेले कोथड़ी का सामान भी गेले दे दिया था, तो के कुछ है कोथड़ी का सामान में वो मैं आपको दिखाऊंगी। मोवे का गेवर दादी, मोवे का गेवर। त्रपत्ते का, त्रपत्ते का यो किसी बुरसोट दिखाई दी थाने वीडियो कॉल करके, नु बोले या ले लियो टी शर्ट ले लियो फोटो भेजो। त्रपत्ते का, त्रपत्ते का यो किसी बुरसोट दिखाई दी थाने वीडियो कॉल करके, नु बोले या ले लियो टी शर्ट ले लो फोटो भेजो। अच्छा, तो भाई ये है शर्ट और ये पैंट इनकी, जो कि इन्होंने खुद ही पसंद करी थी। और एक फ़ायदा जिस शॉप पे तले के आए वो जान पहचान वाले की हैं, तो अगर पहनने के बाद अच्छी नहीं लगी तो एक्सचेंज कर देंगे। और ये अंदर से ना ऐसी है, मतलब गर्म है रहेगी सर्दियों में। तो ये देखो भी आपको कैसी लगी बताना। ये छोटी के एक तो या एक या अरे वाह एक और दिखाई वाह कड़क एक या बेबे ले आई है हाँ अरे एक वाले आई है वह दिखा दिखा रहे वह ड्रेस को ये और भी की दिखा दो या काम बड़ी होगी। तो भाई बिल्कुल आराम से दिखाऊंगी सारा डिजाइन, जब पहनेगी तब तो दिखेगी ही, लेकिन ये वो भी फुल ड्रेस थी, ये भी फुल ड्रेस है। तो ये देखो जो कि आगे आऊंगी एक साल की कई बताऊं मैं जींस पहन जोगी होगी पैदा होंगी जींस बेचती मेरी। अच्छा, और एक ये है भाई सर्दियों की, ये भी आगे सी आओगी क्योंकि इबे नहीं आओगी और इबे पहन का मौसम भी नहीं है, गर्म ड्रेस है ये वाली। तो फूल दिखा दूं मैं आपको, तो ये देखो ये पूरा लुक ऐसे है, उसके साथ गर्म पजामी भी है जो कि 7-8 महीने के बालक का हुआ आराम तय, तो आगे जाकर फरवरी मार्च में आओगी इसका। एक या है गर्मियाँ की, इसी से भेज देंदे कई क्योंकि ये से ये ई प्राण की। और एक जो रेड कलर की है वो मैं आपको दिखा दूं, ये भी आ गए सर्दियाँ में आओगी, 6-7 महीने के बच्चे को मतलब साइज है इसका। और फुल है इसके साथ मोजे वगैरह, ग्लव्स वगैरह, फुल पैंट सर्दियों की है ये भी। तो इस ध्यान में रख के दिए कि आगे सर्दी आएंगी तो इस हिसाब से। और यह कामली तो मैंने जमाई पसंद आई, तो इसके साथ टोपा है, पीछे देखो बैक में इसका ये जो कार्टून छप रहा है
कति मस्त लागे थे। तो जिस तरह इसमें टोपा पर आकर आगे था इसने ढक के पीछे इसका कार्टून का डिजाइन आ जाएगा, तो बहुत अच्छी लगी। तो आप भी बताना आप लोगों को क्या कौन से वाली ड्रेस ज़्यादा पसंद आई, कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई। और ये सूट देखो भाई, एक तो ये है, इसके साथ ये दुपट्टा दिखा रही थी मैं आपको, और एक ऑरेंज कलर में, तो एक फुफ्फस का, एक सासू का, और इन में तो मतलब पसंद करवा रही थी मैं। और रुकी आ गई भैया, और की पैंट वाली, हां ऐसे की है देखो, और मतलब की बड़ी हो पा रही है नहीं, अभी आ जाएगी। तो ये उर्वी की है भाई, इसने पॉकेट वाली पसंद थी, मैं भी कहूँ थी कई पॉकेट वाली भेजी हुई की बार, तो फिर भेजी दो पॉकेट वाली। चलो जाओगे जब लेकर आवेंगे कई पॉकेट वाली। और यह ड्रेस है भाई जैकेट वाली, तो ये भी मतलब सर्दियों में पहना लो, चाहे गर्मियों में जैकेट सर्दियों में पहना सके हैं। तो ये चप्पल वगैरह, तो भाई चप्पल का कलर मेरे को बहुत पसंद आया, और ये मतलब बिल्कुल सॉफ्ट भी है। और बस ये आपको दिखा रही थी मैं, सैंडल बोल रही थी मम्मी कि मतलब सैंडल भेजूंगी, जूती भेजूँ या सैंडल। तो फिर भाई मेरा मन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं बोली मुखा मेरी चप्पल उठ गई थी और उसमें तले बरूम में तो चप्पल भेज दिए, जब मैं आऊँगी नहीं अपनी पसंद की ले जाऊँगी कि फिर हम किसे सैंडल भेज दो। तो जहाँ तक ये छोटा मोटा सामान था, साबण ये वगैरह, इसका तेल, शैम्पू पाउडर, सारी चीज़, ये गूंद और मगज, खांड 3 किलो, गोले मतलब गूंद गालन का सामान, और साथ में मैं अपना सूट दिखाऊं आप लोगों को, और छोटा मोटा जो मेरा सामान था यूँ, बाकी तो मखा मैं कंपनी के लेके आऊँगी। तो जो सामान था, और ये डोली में अभी 5 किलो घी, और ये छोटा मोटा सामान, और मेरा सूट दिखा दूँ मैं आपको। तो ये देखिए भाई, ऐवी सूट है पिलिए का, तो मतलब मम्मी साड़ी भी कहें थी कि साड़ी लाऊं या फिर कुछ और, तो फिर मैं कहूँ थी सरारा, फिर मैंने सोची मैं अपने पसंद का लेके आऊँगी पिलिए, मैं थम पीला ही भेज दियो, जो कि रिवाज हुआ है अपने पीला भेजन की। तो भाई ये देखो बिल्कुल ऐवी सूट है, इसकी जोड़ी पे जो बॉर्डर है वो भी मतलब ज़्यादा ये भी नहीं है कि ताम जाम का हो, मतलब सिंपल सोबर, बहुत ही प्यारा है, मस्टर्ड येलो कलर जो कि ट्रेंडिंग में है। और ये इसकी सलवार है, ऐवी सलवार ही बनवाऊंगी, एक मन कर रहा है कि प्लाजो बनवा लूँ, आप सजेस्ट करना, हालांकि इसका प्लाजो भी अच्छा लगेगा और ऐवी सलवार भी। तो ये सूट कितने का होगा, 2000 से ऊपर का है, तो आप बताना। हालांकि सरारा बोल रही थी, तो फिर मम्मी बोली कि मतलब अपनी पसंद का ही ले जियो, हाँ यह बात भी ठीक है, तो वो बाद में ले आऊँगी, वो तो 3-3.5-4 तक का होगा सरारा तो, लेकिन ये सूट है। साड़ी वगैरह इतनी बांधन मानती नहीं भाई देखो, और इसमें सीजेरियन के बाद तो आप समझो हो, कई दिन तक मतलब साड़ी वगैरह 3-4 महीने तक तो बांधन, फिर वो पुरानी ही रिवाज हो जाए, फिर वहाँ जब बांधूँगी जब ले आऊँगी। तो इसके साथ में लॉन भेज रखा है, ये इसका दुपट्टा है, ऐवी सूटा के भाई सिंपल से मतलब हल्के बिल्कुल लाइट वेट दुपट्टे आते हैं। तो ये देखिए, और ये कलर ना इस सूट का इसमें इतना प्यारा आ नहीं रहा है कल इसमें कैमरे में, बहुत ही प्यारा कलर है, अगर मैं पहन के जब आपको बाहर दिखाऊंगी ना, मतलब बाहर तो अलग ही ग्रेस आएगी, साथ में ये मैचिंग की चूड़ियाँ जो कि बिल्कुल प्यारी लग रही थी, इसके साथ ही सिंपल चूड़ियाँ ला के मैच करके तब पहनूंगी तो और भी अच्छी लगेंगी। तो ये ना थोड़ी सी मुझे लूज है, पहले मोटा था अब पतला हो गया, उर्वी के टाइम तो उर्वी तो वो ना पहले वाला साइज लिया है, बिल्कुल छोटे साइज की चूड़ी आती मुझे 2.25 की, और ये छोटा मोटा सामान, ये नेल पेंट, और इसका कलर मैंने आपको दिखाया लगा के, ये देखिए इस कलर की है, और ये लिपस्टिक, और हालांकि मैं लिक्विड में मंगा रही थी क्योंकि मैं ये कम यूज़ करती हूँ स्टिक वाली, तो फिर मम्मी बोली ये कलर इसका, तो बाद में आओगी तो अपने पसंद की ले जियो, तने कोई मना करे तो इसलिए नू बोली तो सोन सामान का भेजन दे, जो कुछ भी भेज रही हूँ मखा चलो ठीक है। और साथ में ही फिर मम्मा ने एक साड़ी और भेजी दी, बिल्कुल हैवी है, ये भी मस्ट
मस्टर्ड येलो कलर की है, मतलब सूट से थोड़ा सा अलग सा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। इसमें कैमरे में इसका भी अच्छे से कलर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारी है। मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं कह सकते कि मोती जड़ित हो, लेकिन वो भी नहीं कि बिल्कुल लाइट वेट भी नहीं बोल सकते, बहुत ही प्यारी है। बांध के दिखाऊंगी, मेरे को बहुत पसंद आई। जैसे ही कोई फंक्शन वगैरह होगा, कोई तीज त्यौहार होगा, तब मैं इसको पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये कलर ना, इसमें मैं दिखा रही थी कि मतलब कैसा है, जब कैमरा बंद करके दिखा रही हूँ ना, तो ये देखो ऐसा ऐसा कुछ कलर है, बहुत ही प्यारा। मतलब ये येलो में है, लेकिन मस्टर्ड येलो भी नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा हटके ही कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो ज़रूर पहन के दिखाऊंगी। साथ में ये बेड शीट है, तो डिज्नी के कार्टून इस पे छिप रहे हुई, तो बड़का गेला मतलब पीलिए में आपने देखी होगी ये चादर, मेरी बहन का पीलिए वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, तो उसने अपने बेड पे बिछा रखी थी। तो हम दोनों बहनों की एक सी चीज़ लेके आती मेरी मम्मी, तो मतलब उसको पहले दे दी थी और मुझे फिर यूँ बोली तेरे को पीलिए में दे दूँगी, कहा चलो ठीक है। तो बहुत ही प्यारे ये देखो कार्टून इस पे, तो उर्वी को तो बहुत ही पसंद आएगी, मतलब बच्चों को तो आती है ना ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा पसंद। और इसका कपड़ा ना बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट है, मैं कैसे बताऊँ, तो बहुत ही प्यारी चादर है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, तो मेरे को पहले ही पसंद। और दादस की भी ये कुर्ता सलवार चुंदड़ी, और ये सूट मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखो भाई, ये भी बहुत ही अच्छा सूट है, मतलब पन्ने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था निकालने के बाद, बहुत ही प्यारा है। इसका शिफॉन का दुपट्टा है, इस दुपट्टे पे भी कढ़ाई है और पूरे सूट पे है कढ़ाई। तो जिनको कढ़ाई के सूट बहुत ही पसंद होते हैं, तो उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और कलर देखो इसका, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मेरे को तो कलर बहुत ही पसंद आया। साथ में एक ये सूट है जो अब मैंने इस वीडियो में पहना हुआ ना, बीच में आपने देखा होगा, तो उस टाइप का देखो, जो उन समय दबंग जाटनी से मिलने गई थी तो पहन के गई थी, आप समझ गए होंगे जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी। और इसका ये दुपट्टा, ये थोड़ा चुंदड़ी टाइप में है, वाल टाइप में, तो ये तो मैं अभी सिलवाऊंगी सूट, गर्मियों के हिसाब का है सही, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भी कोका कोला सा इसका कलर है, और अभी सिलवाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। और हमने क्या दिया भाई, छोटी बहन थी इसलिए मैंने एक पैंट शर्ट और साड़ी ये दी है, साड़ी हैवी साड़ी है ये, तो ये देखिए आप, मैंने छोटी बहन को दे दी। और ये भाई की पैंट बूट शर्ट कर दी दादी ने, ये 100 रुपये। और ये सूट, और ये मेरी सासू लेके आई है भाई सूट, और एक ये छोरे के ड्रेस, तो ये हमने दिया भी, छोटी बहन थी छोटा भाई था इसलिए, तो मैं बड़ी थी अकबंता था। और यहाँ ले लिए मौसी के हाथ भी ले होगी, देखी मामा के तो पकड़ दिए, पकड़ लो ये पकड़ लिए भाई, बाय कर दे बाय कर दे, ऊर्जा भी बाय करेगी। तो भाई मानतान करके ये इन्होंने ले ली थी विदाई, और बारिश का हो गया था मौसम। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।